या जनसंपर्क या जनसंचार मास कम्युनिकेशन से मतलब उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। लोक संपर्क का अर्थ बड़ा ही व्यापक और प्रभावकारी है। लोकतंत्र के आधार पर स्थापित लोकसत्ता के परिचालन के लिए ही नहीं बल्कि राजतंत्र और अधिनायक तंत्र के सफल संचालन के लिए भी लोक संपर्क आवश्यक माना जाता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसेवा और लोकरुचि के विस्तार तथा परिष्कार के लिए भी लोक संपर्क की आवश्यकता है। लोक संपर्क का शाब्दिक अर्थ है जनसाधारण से अधिकाधिक निकट संबंध। प्राचीन काल में लोकमत को जानने अथवा लोकरुचि को संवारने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता था वे आज के वैज्ञानिक युग में अधिक उपयोगी नहीं रह गए हैं। एक युग था जब राजा लोकरुचि को जानने के लिए गुप्तचर व्यवस्था पर पूर्णतः आश्रित रहता था तथा अपने निर्देशों, मंतव्यों और विचारों को वह शिलाखंडों, प्रस्तर मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर अंकित कराकर प्रसारित किया करता था। भोजपत्रों पर अंकित आदेश जनसाधारण के मध्य प्रसारित कराए जाते थे। राज्यादेशों की मुनादी कराई जाती थी। धर्म ग्रंथों और उपदेशों के द्वारा जनरुचि का परिष्कार किया जाता था। आज भी विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन आदि राजाओं के समय के जो शिलालेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में लोक संपर्क का मार्ग कितना जटिल और दुरूह था। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान में विकास होने से साधनों का भी विकास होता गया और अब ऐसा समय आ गया है जब लोक संपर्क के लिए समाचार पत्र, मुद्रित ग्रंथ, लघु पुस्तक पुस्तिकाएं, प्रसारण यंत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि अनेक साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों का व्यापक उपयोग राज्य सत्ता, औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा होता है। वर्तमान युग में लोक संपर्क के सर्वोत्तम माध्यम का कार्य समाचार पत्र करते हैं। इसके बाद रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों और इंटरनेट आदि का स्थान है। नाट्य, संगीत, भजन, कीर्तन, धर्मोपदेश आदि के द्वारा भी लोक संपर्क का कार्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जुलूस, सभा, संगठन, प्रदर्शन आदि की जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग भी राजनीतिक दलों की ओर से लोक संपर्क के लिए किया जाता है। डाक, तार, टेलीफोन। भारतवर्ष में लोक संपर्क की दृष्टि से समाचार पत्रों का प्रथम प्रकाशन सन 1780 से आरंभ हुआ। कहा जाता है 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। इसके बाद सन 1784 में कलकत्ता गजट का प्रकाशन हुआ। सन 1785 में मद्रास से कुरियर निकला, फिर बम्बई हेरल्ड। बम्बई कुरियर और बम्बई गजट जैसे पत्रों का अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ। इससे बहुत पहले इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस से समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। इंग्लैंड का प्रथम पत्र ऑक्सफोर्ड गजट सन 1665 में प्रकाशित हुआ था। लंदन का टाइम्स नामक पत्र सन 1788 में निकला था। मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पहले चीन से किंगयार्ड और कियल तथा रोम से रोमन एक्टा डायरना नामक पत्र निकले थे।